बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपने जूतों की कलेक्शन जो है वो हाई हील्स की वो शेयर करूंगी। बहुत से लोग मेरी हाई हील्स जो शूज़ हैं उनकी बहुत तारीफ करते हैं, तो मैंने कहा सोचा कि मैं आपसे ये जो शूज़ हैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलते हैं, देखते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको अपने शूज़। ये आप देख रहे हैं ऐसे जैसे मैंने बेचने के लिए लगाया। मैं असल में अलमारी में मैं बनाने को वीडियो बनाती हूँ, वहाँ फिर आपको पता है लाइट का थोड़ा इशू होता है, तो इसलिए वो वीडियो अच्छी लाइट ना होती तो फिर जूते नज़र ही नहीं आने थे। तो ये है कि अब मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरे तो सारे फेवरेट हैं। चलिए मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये जो मेरी शूज़ हैं ये आप देख रहे हैं, ये पार्टी वेयर हैं, तो नाइट की जो पार्टी है उसमें या डे की पार्टी में, क्योंकि लाइट कलर है। बहुत खूबसूरत सा, और इस पे स्टोन्स भी लगे हुए हैं, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये जो ब्लैक शूज़ हैं ये भी आप नाइट पार्टी में आप जो हैं वो पहन सकते हैं, और ये जीन्स हो गया, टाइट्स हो गए, उसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इस पर भी स्टोन्स लगे हुए हैं। ये भी जो नाइट पार्टी में भी आप पहन सकते हैं, मैंने पहनी थी नाइट पार्टी में पहनी थी, ये बहुत खूबसूरत लगती है। सिर्फ ब्लैक सूट हो या गोल्डन हो, ये दोनों पे सूट करेगी। और ये जो है बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट, एक तो हाई हील है ना, ये शूज़ खड़े भी नहीं होते, गिर जाते तो ये जो है शूज़, ये जीन्स हो गया, टाइट्स हो गए, ये उस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए ना, ये खूबसूरत से जिप लगी हुई है, आराम से यहाँ इसको पहना और जिप बंद कर दी। ये वाले जो शूज़ हैं बहुत मेरे फेवरेट है, मैं इसको बहुत सोच के पहनती हूँ कि ये मैं कहाँ कोई ख़ास जगह पे पहनूँ। ये बहुत ज़बरदस्त मेरे शूज़ हैं, तो लगते भी बहुत प्यारे हैं। ये नाइट में अक्सर मैं जो पार्टी में उसमें पहनती हूँ, दावत वगैरह हो उसमें पहनती हूँ। ये रेड जो है ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ही हाई है हील, ये मेरा रेड सूट है। इससे भी अगर हाई हील हो तो पहन लोगी? हाँ ज़रूर पहन लूँगी। मुझे तो हाई हील का इतना शौक है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे अगर कोई गिफ्ट करे ना हाई हील का, ओ मैं बहुत खुश होती हूँ कि हाँ ये मेरी पसंद की चीज़ आपने दी है। मेरे भांजे ने भी मुझे फ़ोन पे पूछा, मुझे नहीं पता उसने मुझे गिफ्ट करना है, तो जो है ना उसने मुझे फिर दो शूज़ भेजे। मेरे ख्याल से आपने वो वीडियो देखी होगी आलिया के चैनल पे, तो वो छुप छुप के लोग मुझसे ना शू का नंबर पूछते हैं और फिर मुझे ना शूज़ भेजते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाई हील की जो शूज़ है ना वो तो मेरे, आई लव हाई हील्स। अच्छा ये मैं शेयर बता रही थी कि रेड जो जूती है, ये वाली शूज़ जो है ये मेरे पास रेड सूट है, मैंने उसके साथ पहना था ये, लेकिन ये ब्लैक सूट के साथ और वाइट के साथ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये वाइट है, ये वाइट सूट के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ज़्यादातर वैसे ब्लैक जो है ना वो शूज़ मार्केट में मिलते हैं, कलर वे जो सूट के साथ मैचिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये वाले जूते जो हैं ये भी बहुत खूबसूरत हैं, ये देखें इतने खूबसूरत, अंदर से जब पाँव थोड़ा नज़र आ रहा होता है ना तो बहुत खूबसूरत सा लगता है। इसके भी पीछे बैक पे जिप है, और ये जो आगे इसके, ये भी जीन्स वाले, ये भी जीन्स में पहने हैं, टाइट्स पे पहने हैं। ये यहाँ से आप, हमने इसको ऐसे कर लिया ना, नोट कर लिया, इसकी नोट बना दी, तो बहुत खूबसूरत सा ये लुक देती है। ये भी जीन्स वाले हैं, तो जीन्स में इसके भी बैक पे जिप है, ये जब शूज पहन लिया और जिप चढ़ा दी, ठीक है। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये भी।
अब आप कहेंगे सारे ब्लैक शूज हैं। डिजाइन अलग अलग है, डिजाइन अलग है, क्योंकि अभी भी मुझे ब्लैक जो मिल जाए फेवरेट में वो भी ले लूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे पास ब्लैक बहुत है तो मैं ना लूँ, क्योंकि उसका डिजाइन अलग होता है, तो इसलिए वो अट्रैक्शन आती है कि मैं ले लूँ। ये भी देखिए कितनी खूबसूरत है, इसके भी बैक पे जिप लगी हुई है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट लगता है मुझे ये हाई हील पहनना। लोग मुझे पूछते हैं पहन कैसे लेती हो, मैं कहती हूँ मुझे तो इजी लगता है। ये जो है शूज़, ये विंटर में भी काम आ सकते हैं, आप सॉक्स पहन के भी ये पहन सकते हैं और वैसे भी पहन सकते हैं। गर्मियों में नेट है ये, गर्मियों में भी पहन सकते हैं और सर्दियों में जो है विंटर्स में सॉक्स पहन के भी ये पहन सकते हैं ईजीली। ये भी हैं, ये आगे से इसको वही मैंने आपको बताया ना, इसको नॉट लगा दिया तो ये बहुत खूबसूरत सा लुक देता है। इसकी भी हाई, इसकी शाइन जो है ना कलरफुल है, जैसे थोड़ा कभी कहाँ से शेड आ रहा है, कोई गोल्डन आ रहा है, कोई सिल्वर आ रहा है, कोई ब्लैक आ रहा है, बहुत खूबसूरत से। ये जो मैंने पहनी हुई है ये तो मेरी इतनी फेवरेट है, मेरा दिल चाहता है मैं सोते हुए भी ये पहना। अच्छा ये जो है एक ये वाली रहेगी, ये पार्टी वेयर है, स्टोन्स जो है वो फुल भरे हुए हैं। बहुत खूबसूरत, इस पे भी बैक पे जिप है, आराम से इसको पहना और जिप लगा दी। बिल्कुल जब शूज़ बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का हो तो वो पाँव भी उठाने में आसानी होती है। लूज़ शूज़ जब भी पहनेंगे तो आपके जो एंकल्स हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं और नीज़ पे भी इफ़ेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा हाई हील जो है कई लोग नहीं पहनते क्योंकि वो उनको जो घुटनों में प्रॉब्लम। और बैठने का एक तरीका बताओ ज़रा, हील पहनने के बाद हाई हील पहने तो ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं करें, थोड़ा सा अपने पाँव को ऐसे क्रॉस में करके इस तरह डाले ताकि वो हाई हील आपके बॉडी को उठाया ना हो। अभी देखिए ये हाई हील बिल्कुल जमीन ये पहनने का तरीका है ना, ऐसे आपने बैठना है जब भी बैठे इस तरह बैठे हाई हील पहनकर, ऐसे बैठना है सोफे पे अगर आपने बैठना है बिल्कुल ऐसे बैठेंगे तो आपके यहाँ एंकल पे जो है वो बहुत बोझ पड़ेगा और पेन होगा। देखे ना ऐसे बैठने से मेरे घुटनों पर भी पेन हो रहा है अभी, हालांकि क्या हुआ 3-5 सेकंड हुए होंगे, लेकिन अगर मैं ऐसे बैठूंगी तो बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। हाँ तो कई लोग अंदर पाँव करके बैठते हैं ना, वो भी बताओ। कई लोग ऐसे करके बैठते हैं ना, वो हाँ, भी ठीक नहीं है, अंदर पाँव नहीं करना, थोड़े बाहर पाँव करके बैठना है और थोड़ा ऐसे क्रॉस कर लें। हाँ ठीक है, जब क्रॉस करेंगे तो आपका जो है वेट हील्स पर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने शूज पहने ही है ऐसे लग रहा है। तो ये है कि मेरे जो कलेक्शन है कैसी लगी आपको, इसी तरह के व्लॉग्स जो हैं या कलेक्शन मेरे अपने मेरे ड्रेसेस की भी कलेक्शन आपको बताऊंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट आने वाली हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।